एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में हमारे सामने हर रोज़ हर दिन एक नई सिचुएशंस आती हैं और उस सिचुएशंस को हम कैसे अपने लिए या हम कह सकते हैं कि हमारा सेल्फ कंट्रोल किस पैरामीटर पर जाता है या किस लेवल पर है कि हम उसमें रिएक्ट करते हैं। आज मैं बात करूंगी घबराहट पर, एंजाइटी पर या रेस्टलेसनेस पर कि अक्सर हमने देखा है कि वो लोग जिनके विल पावर बहुत स्ट्रांग होती हैं वो हर तरह की सिचुएशंस को बड़ा अच्छे से सेल्फ कंट्रोल करते हैं या फिर अपने ऊपर उस घबराहट को तारी नहीं होने देते। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कमज़ोर अफराद भी होते हैं कि जिनके विल पावर काफ़ी वीक होते हैं और घबराहट का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, बेसिकली घबराहट है क्या? घबराहट नाम है एक ऐसी परेशानी की जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होती है और बहुत अरसे से वो परेशानी चल रही होती है, लेकिन आप या तो उसको नेगलेक्ट कर रहे होते हैं या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन लेटर ऑन होता क्या है कि जब एक परेशानी आपके जहन में सर्कुलेट कर रही है तो हमारा माइंड भी एक हद तक उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जब हमारे माइंड के लिए वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो उसको शिफ्ट करता है हमारी बॉडी। यानी एक होती है जहनी घबराहट, एक होती है जिस्मानी घबराहट। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर कोई प्रॉब्लम है और वो आपके जहन में चल रही है तो उस वक्त अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो कुछ अरसे बाद जब वो आपके जहन के लिए आपके नर्व्स के लिए इतना ओवर बर्डन हो जाएगी तो वो ऑटो शिफ्ट होगी आपकी बॉडी पर। और फिर क्या होता है कि वो इंसान या वो फर्द या हम खुद रिएक्ट करते हैं, हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है, हम अनईजी फील करते हैं, हमारी फास्ट ब्रीदिंग, हमारी सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे अफराद को जो इर्द गिर्द जो फैमिली होती है या जो और लोग होते हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आज मैं उसी फर्स्ट एड टिप्स या इंफॉर्मेशंस को लेकर आपके सामने इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि जब आपको घबराहट होती है बेसिकली तो हमें फौरन क्या करना है। अगर कोई शख्स हमारे सामने घबराहट का शिकार हो रहा है तो हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है। नंबर वन, चेंज योर फिजियोलॉजी। चेंज योर फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आप फौरन खड़े हो जाएं, अगर आप खड़े हुए हैं तो आप वॉक करना शुरू कर दें, स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दें, हाथ पैर को थोड़ा सा एक्सरसाइज मूवमेंट्स में ले आएँ। अच्छा, वॉक करने से या फिर स्ट्रेचिंग करने से होता यह है कि हमारे अंदर जो घबराहट को लेकर एक जो एंजाइटी का जो एक पैटर्न बन जाता है, एक एंजाइटी का जो पैटर्न क्रिएट होता है उसे हमें तोड़ना है। तो जब हम अपने फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, जब हम वॉक करना शुरू कर देते हैं, जब हम स्ट्रेचिंग करना शुरू होते हैं, होता यह है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन बेसिकली बॉडी को रिलैक्स करता है। वो जब रिलीज होना शुरू हो जाता है तो एंजाइटी का ये पैटर्न वीक होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी का यह पैटर्न टूटना शुरू हो जाता है। तो नंबर वन क्या है? चेंज योर फिजियोलॉजी। अगर आपको घबराहट हो रही है कोई बात नहीं, अगर आप खड़े हुए हैं तो वॉक करना शुरू कर दें इससे पहले कि वो आपकी बॉडी को ओवर रिएक्ट कर दें, उस अगर स्ट्रेचिंग कर लें और थोड़ा सा बेहतर आप फील करना शुरू कर देंगे। नंबर टू, अनइवन ब्रीथिंग। अनइवन ब्रीथिंग का मतलब ये है कि जब जो लोग घबराहट का शिकार होते हैं या जब हम घबराहट का शिकार होते हैं तो आप देखिए हम फास्ट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हम बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं, हमारी अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं होता, हमें पता नहीं क्या मतलब। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके वाकई में चेस्ट मतलब वो नज़र आ रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सांस ले रहे होते हैं तो अजीब ही उनकी जो प्रोफाइल हो रही होती है या जो बॉडी मूवमेंट हो रही होती है वो अजीब हो रही होती है। तो आपने करना क्या है? अनइवन ब्रीदिंग करनी है, यानी इस तरह ब्रीदिंग को, सांस लेने के पैटर्न्स को ऊपर नीचे थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगेन इससे क्या होगा? पैटर्न टूटेगा, एंजाइटी का पैटर्न टूटेगा, एंडोर्फिन रिलीज होगी और ज़्यादा अपनी मतलब फ्लो में आएगी।
तो नंबर वन चेंज योर फिजियोलॉजी, नंबर टू अनइवन ब्रीदिंग, नंबर थ्री है रोटेट योर आईज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे होगा ये कि एक इंसान जो आपने देखा होगा उसके उसका कोई कंट्रोल ही नहीं होता, वो कभी इधर जा रहा होता है कभी उधर जा रहा होता है, या हम लोग होते हैं अगर हम भी घबराहट का शिकार होते हैं, नो मैटर पता नहीं आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है, मेरा सेल्फ कंट्रोल कितना है, हम चीज़ें उठाएंगे रखेंगे, अजीब बेचैनी का आलम होगा, बेचैन हो रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, उससे ये होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि वी आर नॉट इन द सेम जोन। जब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपनी आंखों को रोटेट करेंगे, यानी इससे क्या होगा कि जो विजुअल्स हमारे सामने जो हमें अपनी फैमिली नज़र आना शुरू हो जाएगी, कुछ हमें अपना रूम, जैसे एक होता है ना कि एक विजुअल सेफ्टी जोन, जैसे विजुअल सीन्स ऐसे क्रिएट हो जाएंगे हमारे माइंड में इस तरह करने से, रोटेशन से, कि हम खुद ब खुद अंडर कंट्रोल होना चलेंगे, हम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। अगर आप फैमिली के दरमियान हैं तो भी आपने यही करना है, और अगर आप अकेले हैं तो भी आपने रोटेशन ऑफ आईज एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज ये एटलीस्ट आपने 5 to 6 टाइम्स करना है। उससे ये होगा कि आपको खुद फील होगा, ये तीन जो मैंने बेसिक जो फर्स्ट एड को लेकर जो स्टेप्स बताए हैं, जब आप ये करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि समथिंग बेटर इज़ गोइंग इनसाइड योर बॉडी। और वही बात होती है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जो डिसबैलेंस हो चुके होते हैं, या एंडोर्फिन कहीं ना कहीं रिलीज नहीं हो रही होती है घबराहट के आलम में, रेस्टलेसनेस के आलम में, तो वो मतलब उसको एक गेटवे मिलेगा, वो हमारी बॉडी में मूव करेगा, फ्लो करेगा। अच्छा, चौथा है कि जब आपने बेसिक 3 स्टेप्स कर लिए, फिजियोलॉजी चेंज योर फिजियोलॉजी, अनइवन ब्रीदिंग को करनी है, थर्ड रोटेशन ऑफ आईज, अच्छा ये जब 3 स्टेप्स हो गए, फिर आपने आराम से सुकून से एक जगह बैठ जाना है और बहुत सारा पानी पीना है। बहुत सारा पानी पीने से ये होगा कि आपके अंदर एक कूलनेस आएगी, आपको एक अजीब सी एक सुकून फील होगा। अच्छा, हुआ ये है कि आप जब घबराहट का शिकार थे तो जहाँ बहुत सारे हार्मोन्स केमिकल्स या बहुत सारी जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो डिस्टर्ब हुए, वो कंट्रोल होना शुरू हो गए, इसके इन बिटवीन हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होता है जब हम घबराहट का शिकार होते हैं। पानी पीने से और बहुत सारा पानी पीने से हमारा टेम्परेचर स्टेबल होना शुरू हो जाता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ, लास्ट स्टेप है, वो है मसाज योर बॉडी। मसाज योर बॉडी, कोई भी ऑयल ले ले, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी हो, उससे आप हल्की हल्की अपनी मसाज करना शुरू कर दें, या अगर कोई फैमिली मेम्बर है उनसे कह दें। उससे होगा ये कि आपकी नर्व्स, आपके जब आप जाहिर सी बात है जब हेड मसाज होता है, जब हम अपने लिम्स को अपने बॉडी को मसाज करते हैं तो हम खुद फील करते हैं एक गर्माइश आती है, एक सुकून लगता है, मसल्स हमारे रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये तो हमारे कल्चर में भी है ना, ईस्टर्न कल्चर में तेल मालिश, तो जब तेल मालिश होती है तो आपने खुद सोचा होगा हमें कहीं ना कहीं हमें ज़हनी सुकून मिलता है। तो ये वो स्टेप्स हैं जिसके करने से आई एम श्योर आप बहुत हद तक अपनी घबराहट पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप भी गवाह हैं, मैं भी विटनेस हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो छोटी सी बात पे, छोटी सी परेशानी में, छोटी सी कोई ट्रबलसम कंडीशन हो जाती है उसमें इतना घबरा जाते हैं कि बाज़ दफ़ा मैंने उनको हॉस्पिटलाइज होते हुए देखा है, उनको हॉस्पिटल बेड पर देखा है। तो इससे पहले कि वो नौबत आए, आप भी ये स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, और इस इंफॉर्मेशन को अपने लव वंस में, अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स को, जिनके बारे में आपको पता है कि उनके साथ ये मसला है, तो उन्हें ज़रूर बताइएगा, बल्कि ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पर लाइक क्लिक कर दीजिए, और अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए आपको लगता है कि ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस बहुत काम करती है हमारी हेल्दी लाइफ को लेकर। एंड में मैं वो कॉजेज बताऊंगी जो बहुत नॉर्मल है, बहुत जनरल है, और जिसको बारहा डिस्कस भी हम कर चुके हैं,
ये सिचुएशंस जिनको बार बार होती है, ये प्रॉब्लम उस वक्त कॉजेज इसके मेन वही है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा जंक फूड, हमारी शुगर इनटेक, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, हमारा नींद का पैटर्न पूरी तरह से डिस्टर्ब करना, लेट नाइट जागना, सुबह उठना, फिर एक अनहेल्दी सिचुएशंस में अपनी जॉब पर जाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स, जिसे हम एक छोटी प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स, एंड आई एम श्योर कि आप मेरे इस फर्स्ट रेट टिप्स जो मैंने घबराहट को लेकर की है, आप अपने लिए